हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ सिंपल साइंस में। और आज हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे न्यूरो ट्रांसमिशन के बारे में। न्यूरो ट्रांसमिशन यानी होता क्या है? न्यूरो ट्रांसमिशन होता है न्यूरॉन्स के थ्रू इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन। अब हमें इसकी क्या ज़रूरत है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये एक पानी का ग्लास है, इसे एक व्यक्ति देख रहा है। अब उसे प्यास भी लगी है, तो वो क्या करेगा? वो अपना हाथ उठाएगा, पानी का ग्लास लेगा और उसे पिएगा। पर इसके पीछे बहुत बड़ा एक मैकेनिज्म है। वो उस मैकेनिज्म को समझने में हमें न्यूरो ट्रांसमिशन मदद करता है। इसके पीछे सबसे पहले क्या होता है, वो व्यक्ति उस पानी के गिलास को देखता है तो सेंसरी सेंसरी न्यूरॉन्स में यहाँ पे इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। इम्पल्स इम्पल्स जनरेट होते हैं सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, वो ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन में इनपुट देते हैं। ब्रेन को इनपुट मिलता है, ब्रेन को प्रोसेस करता है और ब्रेन उसको आउटपुट देता है। जो हमको मोटर न्यूरॉन के थ्रू हाथ की मसल्स जो है इफेक्टर ऑर्गन, वो इफेक्ट दिखाती है और वो व्यक्ति उस पानी के गिलास को पीता है। अब हमारे बॉडी में ये सब होता क्या है, कैसे है? हमारे बॉडी में कई सारे बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं और बिलियंस न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं नर्वस सिस्टम में। अब ये न्यूरॉन्स क्या होता है और ये क्या काम करता है? न्यूरॉन्स ये हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है। इसमें डेंड्राइट्स होते हैं जो इम्पल्सेस को कैरी करते हैं, सेल बॉडी होता है, एक्सॉन होता है जो मेन ब्रांच मेन मेन कनेक्शन होता है, और एक्सॉन टर्मिनल होते हैं। ये ऐसे न्यूरॉन सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि एक का एक्सॉन दूसरे के डेंड्राइट से कनेक्टेड होता है। और इसमें इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं, इम्पल्स। अब ये इम्पल्स क्या होता है? ये इम्पल्स होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब ये एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है और कैसे ट्रांसमिट होता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रोकेमिकली। इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन मतलब इलेक्ट्रिकली और केमिकली। एक्सॉन में ये इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिट होता है। और सिनेप्स क्या होता है? दो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जिसमें इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, उसके बीच के जो जंक्शन है जहाँ पर एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का डेंड्राइट जहाँ कनेक्ट हो रहा है, इस कनेक्शन को बोलते हैं सिनेप्स। सिनेप्स में इम्पल्स केमिकली ट्रांसमिट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से, और फिर ये वापस कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल में। इस पूरे मैकेनिज्म को जानने के लिए हमको गेट्स के बारे में जानना जरूरी है, वेरियस गेट्स के बारे में। जैसे कि ये होता है, ये गेट्स काय के है, ये आज करेंगे आयन चैनल्स और उनके टाइप के बारे में।
इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के को पूरी तरीके से जानने के लिए हमें इन आयंस चैनल को जानना जरूरी है। आयंस का चैनल मतलब आयंस के आने जाने के लिए जो चैनल है उसको आयंस चैनल बोलते हैं। इसमें होता है वोल्टेज गेटेड चैनल, लिगांड गेटेड चैनल, सिग्नल गेटेड चैनल और स्ट्रेच गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड मतलब इसमें वोल्टेज की का काम करता है और उससे जो चैनल खुलता है उससे जो चैनल खुलता है इसलिए इसे बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। ये क्लोज था चैनल, ये इधर ओपन हो गया, ये की है यहाँ पे वोल्टेज, और यहाँ से वेरियस आयंस यहाँ पर सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और क्लोराइड इनके लिए पैसेज खुल गया। जैसे कि ये सोडियम है ये यहाँ से पास होगा और सेल के अंदर आएगा सोडियम। ये लिगान यहाँ पर की का काम करेगा और लिगान यहाँ पर अटैच होगा। लिगान मतलब होता क्या है, ये मॉलिक्यूल हो सकता है, ड्रग हो सकता है, न्यूरो ट्रांसमीटर हो सकता है। ये लिगान यहाँ पर की का काम करेगा और ये गेट को खोलेगा और फिर यहाँ पर सोडियम अंदर आएगा। अगर ये सोडियम चैनल होगा तो ये पोटेशियम हो सकता है, अलग अलग चैनल हो सकते हैं। अब यहाँ पर सिग्नल मॉलिक्यूल की का काम करेगा और ये गेट को खोलेगा तो इससे सोडियम अंदर आएगा। अब यहाँ पर स्ट्रेच स्ट्रेच यहाँ पर क्री का काम करेगा स्ट्रेच, और इस गेट को खोलेगा और सोडियम अंदर आएगा। स्ट्रेच मतलब एक्सटर्नल स्टिमुली, एक्सटर्नल स्टिमुली मतलब कोई भी बाहर का फोर्स। अब यहाँ पर कोई फोर्स लगता है, जैसे कि कोई मॉस्किटो आपको बाइट कर रहा है, आप बिना सोचे समझे उस पर मारते हैं इनवॉलेंटरीली, उसको ही बोलेंगे अपन फोर्स आया, कोई एक्सटर्नल स्टिमुली आई और आपने, तो ये गेट खुल जाएंगे तो यहाँ पर सोडियम अंदर आ जाएगा। सोडियम अंदर आने से यहाँ पर वोल्टेज का जनरेट होगा, वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जनरेट होने से वोल्टेज गेटेड चैनल खुलने लग जाएंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल खुलने लग जाएंगे और सोडियम अंदर आने लगेगा। बहुत सारा सोडियम अंदर आने से यहाँ पर बहुत सारा वोल्टेज जनरेट होगा और वो ट्रांसमिट होने लगेगा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चैनल खुलने लगेंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल खुलने लगेंगे और सोडियम अंदर आने लगेगा। इसी को हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसी को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोलते हैं। अब इसे हम और डिटेल में हर एक का कहाँ पर क्या यूज़ है उसे हम डिटेल में देखेंगे। जैसे कि ये हमारा एक्सॉन है, यहाँ पर अलग अलग चैनल है, ये स्ट्रेच गेटेड चैनल है, ये वोल्टेज गेटेड चैनल है और ये भी वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये सब सोडियम चैनल है। हमारे एक्सॉन के ऊपर साइड में आउट साइड में आउट और इन आउट साइड में पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि यहाँ पर सोडियम प्रेजेंट होता है बहुत सारा और सोडियम का चार्ज पॉजिटिव होता है। एक्सॉन के इन साइड में नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम होता है, पोटेशियम का भी चार्ज पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स जिनका चार्ज नेगेटिव होता है और पोटेशियम के साथ कंबाइन होकर उसका चार्ज नेगेटिव हो जाता है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जैसे ही एक्सटर्नल स्टिमुली आएगी, जैसे कोई मॉस्किटो आपको बाइट कर रहा है तो आपको आप उस पर रिस्पॉन्स करोगे। वो कैसे करोगे, जैसे कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल स्टिमुली आई तो स्ट्रेच गेटेड चैनल खुल गए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेच गेटेड चैनल स्ट्रेच के आने से खुलता है, ये खुल गए जिस कारण ये सोडियम अंदर आ गया। जिससे यहाँ पे वोल्टेज जनरेट हुआ, वोल्टेज,
अब वोल्टेज के, वोल्टेज जनरेट होने से ही वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए। जिससे फिर सोडियम अंदर आ गया और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में वोल्ट आ गया, क्योंकि ये जब आगे बढ़ता है तो और वोल्टेज गेटेड चैनल खुलने लग जाते हैं। और ज़्यादा चैनल खुलने से ये वोल्टेज आगे बढ़ने लग जाता है। इसी को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल और एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर स्टिमुली आई, ये स्टिमुली हमारे नॉर्मल कंडीशन में हमारे बॉडी में -70 मिली वोल्ट होता है, -70 मिली वोल्ट होता है। स्टिमुली आने से इसमें ये वोल्टेज जनरेट हुआ जिससे ये बढ़ा और -55 मिली वोल्ट पे आया। ये है गेटेड थ्रेशोल्ड। और फिर इसमें जब वोल्टेड गेटेड चैनल खुल गए, खुलने लगे, तो इसका डीपोलराइजेशन होने लगा। डीपोलराइजेशन, और ये इसके पिक तक पहुंच गया। किसी भी चीज़ को स्टेबल करने के लिए उसको न्यूट्रल करना ज़रूरी होता है। तो अब क्या होगा, ये पोटेशियम आयन पोटेशियम चैनल से बाहर जाने लगेंगे। ये पोटेशियम आयन पोटेशियम चैनल से बाहर जाने लगेंगे इसको स्टेबल करने के लिए। ये प्रोसेस को बोलेंगे हम रीपोलराइजेशन। उसके बाद नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए, जैसे पहले था, वापस नॉर्मल कंडीशन आने के लिए सोडियम फिर से आ जाएंगे और पोटेशियम इनर लेयर में। इससे ये वापस पूरी कंडीशन नॉर्मल हो जाएंगी, उसको हम बोलेंगे हाइपर पोलराइजेशन। इससे इलेक्ट्रिकली सिग्नल ट्रांसमिट होंगे, इलेक्ट्रिकली एक्सॉन में सिग्नल ट्रांसमिट होंगे। अब हम देखेंगे कि केमिकली सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होंगे। ये सिग्नल अभी एक्सॉन के टर्मिनल तक पहुंच गए और सिनेप्स में आ गए। सिनेप्स, अब सिनेप्स में क्या होता है ये हम देखें। जैसे आप लोगों ने देखा कि एक्शन पोटेंशियल सिनेप्स तक आ गया है। यहाँ पर होते हैं कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर आ गया, मतलब यहाँ पर वोल्ट आ गया। वोल्ट आने से कैल्शियम चैनल खुलेंगे। कैल्शियम चैनल खुलने से क्या होता है, ये सिनेप्टिक वेसल्स जो है, सिनेप्टिक वेसल्स, सिनेप्टिक वेसल, इनका डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। और मोर कैल्शियम आने से यहाँ पर इसका डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। और ये जो है ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। इसके अंदर न्यूरो, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। नीला सिनेप्टिक, ये न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पे लिगांड के जैसे एक्ट करते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि लिगांड गेटेड चैनल होते हैं, जिसमें लिगांड अटैच होता है तभी जो गेट खुलता है। यहाँ पर की के जैसे काम करते हैं वो। तो यह है लिगांड गेटेड चैनल। तो जैसे ही यहाँ पर ये न्यूरो सोडियम न्यूरो ट्रांसमीटर आके लगता है तो सोडियम अंदर आने लग जाते, सोडियम चैनल ऊपर होने लग जाता और सोडियम अंदर आने लग जाते, इस कारण डीपोलराइजेशन होने लग जाता। डीपोल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।